देखिए दोस्तों, हमने ये बेल का मुरब्बा बना दिया जो हमने स्टोर करके रख दिया है। आप देख सकते हो ये क्या चीज है। ये बेल है, ये बहुत कड़क होता है, इसको वैसा नहीं तोड़ सकते, इसको ऐसे ऐसे तोड़ना चाहिए, ऐसे चारों तरफ से तोड़ लेना, तो कर लेना। इसका आप क्या बनाना चाह रहे हैं? इसका हम मुरब्बा बना रहे हैं जो हाथों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पका नहीं, पक गया। देखिए ये क्या है, ये बिल है, बिल का बल्ब निकालना है। इसका गूदा निकाल लेते हैं जिससे ज्यादा पक गया। बताइए आपको गूदा कैसा है? ये गूदा निकाल लिया है। क्या इसको ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा मीठा लगता है, इसका शरबत भी बना के पीते हैं, पेट के बीमारी ठीक होती है, जिसको आव आती है वो आव ठीक हो जाती है। पानी आपने कितना डाला है? आधा नमक। तो अभी इसमें आप और क्या डालेंगे? अगर अब शक्कर नहीं है इमरजेंसी में घर में, तो हम गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ की भी बना सकते हैं। और मिश्री? हाँ, बड़ी हुई मिश्री की बना सकते हैं। तो कितनी डालनी है हमें शक्कर? शक्कर जितना दिन है इमरजेंसी, जितना हमारा बेल का मुरब्बा है उससे कितनी शक्कर? गूदा है जो बेल का गूदा अभी इतना, तो जितना बेल का गूदा उससे कितनी शक्कर डालनी चाहिए? दुगनी। ये आपने बन्नी क्यों ली? ये बन्नी को उबालेंगे। तो कैसे उबालेंगे? जैसे ये कांच की है तो कैसे हम इसे कर सकते हैं? इसको हम उबालेंगे, इसको पहले एकदम गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, थोड़ा कुनकुना पानी हो फिर डालना चाहिए, एकदम गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए, थोड़ी कुनकुने में डालना चाहिए, नहीं टूट जाती है। इसको यहाँ से उबाल लेंगे। तो ऐसे उबालने से मतलब कितने देर तक हमें ये रखना चाहिए, कितने देर तक मतलब पानी में? 5 मिनट। और ये साइड हमारी अभी क्या चाशनी बन रही है, तो ये चाशनी जो हम बना रहे हैं, तो ये क्या कितनी तार की होनी चाहिए? ये एक तार। ये अपन कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं डालना, यहाँ से चेक के कोई इसमें कोई कोई कीटाणु नहीं है, मर जाए। हाँ, अब ये एक तो हो गया। बल्ब डालना, ये डालना है इसके पीस। अब सिंपल डालना। देखिए ये हमारी चाशनी हो चुकी थी, एक तार की हमने बना ली, कि इन्होंने चाशनी बना ली है, अब इन्होंने गूदा डाल दिया है। अब क्या करेंगे आप इसमें गूदा डालने के बाद? हमें और क्या करना है? पालते हो तो हमें गैस मद्दा होना चाहिए या फुल होना चाहिए? पहले एक बार उबल जाए फिर उसके बाद सिम पे करना। अच्छा, एक उबाल के बाद हमें मद्दा कर देना चाहिए। और कितने देर तक ये रखना चाहिए? देखो इसको होने दो, 5 मिनट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है? अभी पता लग जाएगा उबलने पे। ठीक है, वो तो एकदम नहीं डालना। देखिए इन्होंने गर्म पानी, इन्होंने पानी उबाला ज्यादा, एकदम ज्यादा गर्म पानी नहीं उबालना चाहिए और शीशी नहीं डालना चाहिए जिससे वो चटक जाती है। तो देखिए एक तरफ हमारी, पहले ही डाल देना चाहिए ठंडे पानी। देखिए एक तरफ हमारी शीशी का हमने पानी में डाल के ये काम भी हो रहा है, साथ में हमारा ये जो हमने गूदा और चाशनी का हमने जो करा था वो भी साथ में हमारा बन रहा है। अगर प्लास्टिक का ढक्कन हुआ तो उसको पानी में नहीं उबालना चाहिए, उसको धो लेना, नहीं तो वो पिलग जाता है, टूट जाएगा। तो ऐसी कोई भी शीशी अपन ले सकते हैं, छोटी हो बड़ी हो, अच्छी यहाँ से साफ करके लेना चाहिए, एंटीसेप्टिक हो जाएगी। और इसका क्या आप बता सकते हो, ये क्या हो रहा है अभी? ये देखिए जैसे ये बुलबुले आ गए, ये हो गया है। देखिए इन्होंने चाशनी में किया था, अब ये उबाल आ गया और उबाल होने के बाद इन्होंने ये देखिए इन्होंने गूदा एक प्लेट में इन्होंने रख दिया है। इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें जो भी बीज है वो निकल जाए, चाशनी को छान लेंगे। और ये इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें बहुत आसान तरीका है। जो हमने शीशी भगोनी में रखी थी, अब ये पानी उबल गया है, तो अब हम गैस बंद करके अब ये हम शीशी निकाल रहे हैं। अच्छी साफ जगह रख देंगे इसको जिससे सूख जाए।
बड़े संभाल के करना है, कांच का है ना तो बड़े संभाल के धीरे। देखिए कांच का है, इन्होंने शीशी को उबाल लिया जिससे इसे एंटीसेप्टिक हो जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से, ये एक तरीका और आपको हमने बताया है। देखिए इन्होंने अब जो बनाया था उसको इन्होंने अभी छान लिया है। इसमें जो बीज है ना वो निकाल, जो बीज होते हैं जैसे मान लो कुछ बीज छूट जाते हैं गूदे में रह जाते हैं, तो आप उसको चाशनी में गूदा आप बना लीजिए। जैसे हमने चाशनी बनाई थी उसमें हमने गूदा डाल दिया और वो उबल गया, उबलने के बाद हमने इसे छान लिया है। अरे बीज निकल गए, देखिए ये बीज निकल चुके हैं। ये देखिए ये हमारा गूदा है और ये क्या चीज है जो बच गया है, ये चाशनी। ये देखिए हमारी ये चाशनी। देखिए दोस्तों ये हमारा पेल का मुरब्बा हो चुका है। अब हम बंद करना है इसको, गैस को बंद कर देते हैं। बस ये हो चुका है, अब मैं शीशी अच्छी तरह सूख जाए इसमें रख देंगे। जो शीशी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो में बताई थी वो शीशी को हमने बहुत अच्छे से धो दिया है, तो ये अभी जब सूख जाएगी तो ये बेल का मुरब्बा इस शीशी में आ जाएगा। ये देखिए भाप पड़ गई उसकी तो सूख गई, सूख चुकी है और इसको अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लिए। और एक बात याद रखिए, जब बेल का मुरब्बा आप जब बनाते हो तो बेल जब आप फोड़ते हो तो अंदर का जो गूदा होता है उसमें कुछ बीजें होती हैं, वो बीजों को बहुत अच्छी तरह से आप निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप निकाल के फिर चाशनी बना के उस गूदे को उस चाशनी में डाल दीजिए। जब उबाल आ जाए तो उसका गैस आप बंद कर दीजिए, फिर ठंडा होने के बाद आप छान लीजिए। इसको साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, देखिए जैसे कि ये शीशी इन्होंने बताई थी जो हमने उबाली थी। तो क्या गरम गरम कैसे डाले, जैसे आपने अभी ये बनाया है तो एकदम शीशी में हम नहीं डाल सकते? नहीं गरम नहीं डालना, ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको शीशी में। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है बेल का मुरब्बा, अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे शीशी में डाल देंगे। देखिए दोस्तों हमने ये बेल का मुरब्बा बना दिया जो हमने स्टोर करके रख दिया है, आप देख सकते हो। इसे कितने दिन तक रखा जा सकता है? चल जाता है। अच्छा, और अगर खराब होने का कोई डर तो नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा देखिए दोस्तों इन्होंने जैसे मुरब्बा बताया है और सालों साल इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि खराब होने का डर है तो इसमें क्या हो जाता है, ये सफेद काला काला हो जाता है, उल्टी लग जाती। देखिए इसमें उल्टी लग जाती है, वैसे ज्यादातर तो ऐसा हुआ, ऐसा केस आया नहीं है कि खराब हुआ है, लेकिन आप इसको आप ट्राई करिए और बना के देखिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको कोई भी जानकारी इस बेल के मुरब्बे के बारे में पूछनी है तो हम इस और अधिक से अधिक आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। टेक केयर, बाय।